नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों आज हम मनोना धाम में आए हुए हैं। साथियों आप सभी लोगों को मैं बताते चलूं कि मनोना धाम बरेली का एक ऐसा धाम उभर के आ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं लगभग सभी राज्यों में पूरे भारत के अंदर एक अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे तेज़ी से कोई उभरता हुआ धाम अगर बरेली के अंदर से निकल के आया तो वो मनोना धाम है। साथियों तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि साथियों ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पे जो है तमाम लोगों की अपनी अपनी मनोकामनाएँ जो लेके आते हैं, जो लोग लेके आते हैं उनकी मनोकामनाएँ चंद पलों में पूरी होने लगती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता कश्यप। कहाँ से आई हैं? मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा, पहली बार आई हैं? इससे पहले की नहीं, मैं तो कम से कम 10-11 बार आ चुकी हूँ और हमेशा आती रहती हूँ। अच्छा, आपके साथ कुछ तो चमत्कार हुआ क्या? मेरे साथ तो कई बार चमत्कार हुआ। कुछ ऐसा चमत्कार जो जनता को बताना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबा ने साक्षात दर्शन दिए, 3 शेरों के साथ मेरे घर पे आए बाबा। और मैं अपनी सासू माँ को भी लेके आई थी, उन्हें पैरालाइज था तो थोड़ा अब चलने फिरने लगी और अपने हाथ से खा भी लेती हैं। और पहले वो हाथ से भी कुछ नहीं पकड़ पाती थी और मतलब बोल भी नहीं पाती थी, अब बोलने भी लगी अच्छे से। अच्छा। हाँ, क्या तो कहना चाहेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश आपको देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी हर आदमी अब बाबा का गुणगान करे और मेरे चमत्कारी मनोना धाम का तो क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों और भी तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बाबा की अलग ही कृपा लोगों पे नजर आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? बड़ा धूल बहुत तेजी से आ रही है साथियों, धूल में कहीं ना कहीं रुकना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। आज भी मैं मरीज को लेके आई हूँ जो पैरालाइज की मेरी बहन है। कहाँ पे है वो? वो अभी पीछे गाड़ी में है, यहाँ तक आने में उनको हम लोग कवर करेंगे। हाँ तो चलिए आप चलिए चलिए। कहाँ जा रहे हैं? वो देखते हैं कि किस तरह से उन्हें लाया जाए गाड़ी से। लाया मैं आपके साथ चलता हूँ, कवर कर लेंगे उधर ही। साथियों जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि पैरालाइज हैं, आंटी जी ने बताया उनकी बहन पैरालाइज हैं और यहाँ पे लेके आई। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया क्या आपने? 5 या 6 बसें तक लेके आती हूँ, 4-4 गाड़ी। आगे आ जाइए कैमरा मैन सर। अच्छा, 4-4 गाड़ियाँ लेके आती हूँ मैं हमेशा। और मुरादाबाद से मैं रीता कश्यप बूथ अध्यक्ष भी हूँ और बीजेपी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है। समाज सेविका भी हूँ, हर आदमी के दुख सुख में हमेशा साथ देती हूँ। अच्छा 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 जी। तो उन्हें कोई हॉस्पिटल वगैरह में भी दिखाया होगा? हाँ, गजरौला दिखाया, वहाँ गढ़ दिखाया है भैया। अच्छा, यहाँ अभी तक दिखाया नहीं? सासू माँ को भी गढ़ दिखाया है। अच्छा, यहाँ अभी तक दिखाया है नहीं? यहाँ पहली बार लेके आई हूँ मैं उनको, ये उनकी बिटिया है। अच्छा। और मैं काफी मरीज को लेके आती हूँ, पिछली बार भी एक मेरी बहन है उनके हस्बैंड को लेके आती थी, वो भी पैरालाइज के थे, वो भी नहीं उठ पाते थे। अच्छा। तो अब वो भी हाथ से कप पकड़ के चाय वाय पीने लगे। अच्छा, तो धूल बहुत तेज चल रही है साथियों, धूल में कहीं ना कहीं रुकना मुश्किल हो पा रहा है। किस से लेके आई हैं आपने उनको? हम गाड़ी से लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, 4 पहियों की गाड़ी है। अच्छा। और हमेशा 4 या 5 गाड़ी तो हम लेके आते ही हैं हमेशा। अच्छा, बस अच्छा। भी लेके आते हैं, बस से भी आती हूँ। बाकी हमेशा हफ्ता नहीं होता था कि बाबा के कपाट पे मैं हमेशा आती थी। और अभी भी 30 तारीख को खाटू श्याम से वापसी हुई है मेरी। अच्छा। बड़े खाटू श्याम गई थी लेकिन वहाँ कपाट बंद थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कपाट बंद नहीं हुए हैं, क्या मुझे बाबा के दर्शन नहीं हुए। मुझे बहुत अच्छे से बाबा के मतलब दीदार हुए हैं, दर्शन हुए हैं। और अब फिर देखो अप्रैल में जाने का है। मैं तो बाबा से सब लोगों से यही कहूँगी कि बाबा के दर्शन करो, आओ और सबकी मुराद पूरी हो। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा कि क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेके। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी हिंदुत्व को दबाने का काम कर रही है, हिंदुत्व को मिटाने का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं तो यही कहूँगी कि हिंदू के लिए जागरूकता हो रही है और मैं खुद घर घर जा के सुंदर कांड कर रही हूँ, बाबा के गुणगान कर रही हूँ, मैं खाटू श्याम के कीर्तन कर रही हूँ। और मैं तो सबसे कहूँगी कि बाबा का नाम लो और भैया हनुमान चालीसा तो मैं हर जगह जा के कर रही हूँ। अच्छा। चाहे कोई मतलब निःशुल्क कराए चाहे पैसे से कराए, मेरी 7 बहनों की कमेटी है और अच्छा। मैं चाहती हूँ मेरी 7 बहनें बनी रहें और ऐसी ही मैं बाबा का गुणगान करती रहूँ। अच्छा। मेरा सुंदर यहाँ का पता कैसे लगा आपको? यहाँ से मुझे पता लगा, एक भाई हैं उनका बेटा जो है बोल भी नहीं पाता था और मैंने फ़ोन पे भी देखा तो मुझे एकदम से बस, और एक बार आई मैं तब से मेरा आना शुरू हो गया यहाँ। जब कहाँ पे इस समय मैं आना शुरू किया था यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा। और अब तो ये हफ्ता नहीं घूमता यहाँ तो तरक्की पे तरक्की हो रही है। हाँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिन रात चौगनी हो रही है और बाबा की रहमत बरस रही है खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों, तमाम सारे लोग हैं जो तमाम सारी समस्याओं को लेके आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं भी लगातार साथियों पूरी हो रही हैं। अभी जो भाजपा की जो नेता भी हैं और जो जैसा कि आंटी जी ने बताया कि कोई व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन्हें दिखाने के लिए बाबा को लेके आए हैं। साथियों हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हॉस्पिटलों से फेल लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या इसीलिए कहीं ना कहीं मनोना धाम अपने चमत्कारिक कर्मों के लिए जाना जाता है, चमत्कारिक कृत्यों के लिए जाना जाता है। साथियों जिस तरह से आप देख पा रहे हैं आंटी जी की क्या समस्या है, आंटी जी को इधर क्या समस्या, इधर आ जाना। ये मुरैन आवाज से मेरी बहन है, मैं इनको लेके आई हूँ। अच्छा। और इनको पैरालाइज की शिकायत है और बाबा के दर्शन कराने, बस बाबा की से अरदास लगाऊंगी कि बाबा इनको भी ठीक कर दें। काफ़ी लोगों को ले लेके आती हूँ कि बस रहमत बढ़ जाए तो फर्क भी पड़ता है और ठीक भी हो रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप लेके आए? मैंने अपनी आँखों से यहाँ बाबा के, खुद मैंने अपनी आँखों से कई चमत्कार अपनी आँखों से देखे हैं मैंने। अच्छा। उसके बाद तो मैं सभी को लेके आ रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि सब आओ, अपने जो परेशानी है भाई बाबा अपने आप पूरी करेंगे। इससे पहले लेके आई हैं क्या? नहीं, ये पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अभी मरीज लेके आई मैं। बोल पाती हूँ कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा, कम बोल पाती हूँ। सही लग रहा है। हाँ, सही लग रहा है। चलिए आप लेके चलिए आओ। कुछ कहोगी बाबा मीडिया के माध्यम से? बाबा से कुछ कहना चाहेंगी आप? बाबा का नारा लगाओ, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलने का प्रयास कर रही हैं साथियों। और भी तमाम लोगों से हम जानेंगे आखिर किस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, किस तरह से लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। साथियों अगली कड़ी में हम फिर नए वीडियो के साथ में आप सभी लोगों के सामने आएंगे साथियों।